अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि सेल और परचेज कैसे करते हैं ना, सेल परचेज शीट बनेगी कैसे। तो आज हम सीखेंगे कि ईयर कैसे निकालते हैं, मतलब कि हमारी डेट ऑफ बर्थ है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ किसी की भी, और तारीख पैदाइश है, उसके बाद उस तारीख के हिसाब से कितने साल उम्र हो गई है, ये मालूम करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर एक मालूम करता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि डेट है ना, लिखना है डेट हो तो डेट पहले लिखनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर 7/5/2001 मतलब कि सातवां महीना 5 तारीख 2001 यहाँ पर फार्मूला लगेगा इज इक्वल टू ईयर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद टू डे ब्रैकेट ओपन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर दोबारा से ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पर एक लगाएंगे माइनस, उसके बाद दोबारा से ईयर टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस डेट को क्लिक करेंगे, डेट को क्लिक करने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर एंटर करेंगे तो यह आ जाएगी जवाब एस है। तो इसी डेट पर दोबारा से क्लिक करेंगे जहाँ पर फार्मूला एड किया था, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जर्नल ऑप्शन ना, फॉर्मेट नंबर्स में से डेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जर्नल करेंगे तो वो एज बता देगा। तो ऐसे ही हम अगर यहाँ से बहुत सारी डेट्स वगैरह ऐड कर दें, जैसे कि 5/7/2000 इसके बाद 5/2/1999 उसके बाद यहाँ से इस फार्मूले को ऐसे कॉपी करेंगे तो सबकी डेट ये खुद ब खुद आपको निकाल कर दे देगा। तो ये आपकी मर्जी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा एक फार्मूला ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो देखिएगा ये फार्मूला है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा समझ सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।